ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନାରାକୁ ନେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶର ଅନେକ ଜନତା ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗାଈ ଗୋବରରେ ତିଆରି ଦୀପ। ତେବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଦୀପ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଶାଳାରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। हमारी संस्था ने इस कार्य को किया। सबसे पहले गाय के गोबर से दीपक तैयार किए। दूसरा, इस गाय के गोबर से दीपक तैयार करने में मैनुअल रूप से तैयार करने में महिलाओं को, हजारों महिलाएं इसमें कार्य करेंगी, पूरे प्रदेश में इनको रोजगार मिलेगा। तीसरा, लोकल फॉर वोकल, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ के लिए ही कार्य करेगी। चौथा, इसका पर्यावरण से इसका लाभ होने की संभावना है, मतलब ये कहीं पे भी नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति नहीं है। और पांचवी बात है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। गाय के गोबर से यदि ये दीपक बनते हैं, घर घर पहुंचते हैं, तो गाय माता का आशीर्वाद लक्ष्मी माता के साथ मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इससे गौशालाओं को भी रोजगार का एक विकल्प तैयार होता है, एक इनकम का विकल्प तैयार होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने गाय के गोबर के ये दीपक तैयार किए हैं। यही दीप गुड़ी को केवल गाय गोबर रो ही तैयार हुए, जहां बायो डिग्रेडेबल वो क्षतिकारक रंग विहीन। यही गाय आश्रय स्थल रे कार्य करूतिबा महिला संगीता गुरुचांद को अनुचय आमर परंपरा रे गाय गोबर शुद्ध बोली विश्वास करा जाए। 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ 1000 ଖଣ୍ଡ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ନାରାର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। अब गाय का गोबर जो है हमारे लिए बहुत पवित्र माना जा रहा है। हमारी संस्कृति में गाय का गोबर बहुत अच्छा और बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे गौमूत्र का होना या गाय के गोबर के कंडे जलाना या हवन में गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो उसके पट्टे के नीचे भी आप गाय के गोबर का ही लेप करते हैं। अब ये गाय का गोबर इतना पवित्र है और महिलाओं को सशक्त करना है, तो हम दोनों को जोड़कर और गाय के गोबर से दीपक बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन गाय के गोबर का आपने दीपक जलाया और अगर आपने उसको यूज करने के बाद में फेंक भी दिया, तो आपकी सॉइल के लिए, आपकी जमीन के लिए भी वो फर्टिलिटी का काम कर रहा है, क्योंकि गाय के गोबर की उसमें वो गाय का गोबर उसमें विद्यमान है और उसकी वजह से आपके गाय का गोबर जो है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बढ़िया होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस न्यूज़।